फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी, एकदम कैफे स्टाइल सेजवान पनीर मायो सैंडविच। इस सैंडविच को ना आज हम घर के नॉर्मल तवे पर बनाएंगे। बाहर से ये एकदम क्रिस्प रहेगा और अंदर से एकदम क्रीमी मायो स्टफिंग, और साथ में ये पनीर बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। ये और आज के इस सैंडविच में जितने सारे फ्लेवर है ना, उससे कहीं ज़्यादा इसमें सब्जियां ऐड की है, तो ये सैंडविच हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मायो स्टफिंग रेडी करेंगे। उसके लिए लिया है मैंने थोड़ा सा प्याज लच्छे में काट के, शिमला मिर्च ग्रीन वाली, साथ मैंने टमाटर लिया है जिसके बीज निकाल लिया है, पत्ता गोभी उसे फाइन चॉप किया है, थोड़ा सा गाजर, स्वीट कॉर्न और थोड़ी सी हरी मिर्च। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसे आप स्किप कर लें। 1/4 चम्मच हर्ब्स मिक्स हर्ब्स, काली मिर्च पाउडर 2 पिंच के करीब, चिली फ्लेक्स और स्वादानुसार नमक। अब इसमें मैं मेयोनीज ऐड करूंगी 2 चम्मच के करीब। इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आप अपने पसंद की कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लें, जो कम है पसंद है उसकी कम लें। सेकंड स्टफिंग सेजवान पनीर स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन, उसमें डाला है मैंने कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी फाइन चॉप प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, स्वीट कॉर्न, थोड़ी सी हरी मिर्च। इसे हम 1 मिनट रोस्ट भुनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले, ओरिगेनो 1/4 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1/4 चम्मच, 2 पिंच में डालूंगी इसमें काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और साथ में मैं डालूंगी सेजवान सॉस। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और अब मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच के करीब पनीर। आप चाहें तो पनीर को क्यूब्स में काट ले। मेरे घर में दूध फट गया था तो मैंने इसे क्रम्बल किया हुआ लिया, मैंने इसको जमाया नहीं। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे क्योंकि सब्जियों में एक अच्छी बाइट रहनी चाहिए। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद करूंगी। स्टफिंग हमारी रेडी है, हमारी दोनों स्टफिंग बन के रेडी है, मायो स्टफिंग और सेजवान स्टफिंग। इसको हम रखेंगे साइड में। मैंने 3 ब्रेड की स्लाइस लिए हैं, आपको जो पसंद हो ब्रेड वो मल्टीग्रेन ले, आटा का ले, मैंने वाइट ब्रेड लिया है। इस पे मैं लगाऊंगी बटर। बटर लगाने से हमारी सैंडविच जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है, काफी क्रीमी क्रीमी और क्रिस्पी बनती है। अब हम अच्छे से रखेंगे मायो स्टफिंग। दूसरी स्लाइस पे मैं रखूंगी पनीर वाली स्टफिंग, सेजवान स्टफिंग। इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और अब हम तीसरी लेयर से इसे कवर कर देंगे। इसके लिए मैंने एक कवर रखा है, इसके ऊपर मैं डालूंगी घी लगाया है मैंने, इसके ऊपर मैं डालूंगी सैंडविच को। इसे हम हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे ताकि जो हमारा सैंडविच हो एकदम क्रिस्प बने। अब मैं इसे धीरे से टर्न करूंगी। देखिए कितना क्रिस्प बना हुआ है हमारा सैंडविच, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का। ये मैंने स्लो फ्लेम पे सेका है उसकी वजह से है, हमारा सैंडविच अच्छे से सिक गया है। गैस का फ्लेम मैं बंद करूंगी और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी सेजवान पनीर मायो सैंडविच बन के रेडी है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी तीनों ही लेयर कितनी यम्मी, कितनी मतलब जूसी बनी हुई है, और दोनों ही लेयर के अंदर अलग अलग फ्लेवर है
और बहुत ही ज़्यादा यम बना हुआ है फ्रेंड्स। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।